फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि टमाटर के बाद प्याज खाने को तरसे पाकिस्तान के लोग, प्याज ने रुलाया पाकिस्तान। लोग प्याज को काटते हुए टाइम रोते हैं, ये इसलिए रो रहे हैं कि प्याज मिल नहीं रहा है। मजा ही आ गया। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो कंपैरिजन कर करके ही रोएंगे कि भैया इंडिया में इतना है, हमारे इतना है, उसी को सुन सुन कर रोते होंगे। शुरू करते हैं। ये प्याज देख लो, 400 रुपए किलो प्याज। प्याज जीना हराम कर दिया। अच्छे वाला प्याज 33,000 का। पाकिस्तान इस वक्त माशी दोराहे पर खड़ा हो, तो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ये मुल्क ऐसे चल रहा है। ये फकीर बना दिया इस मुल्क ने लोगों को। फकीर क्या खाएं, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा? घास खाओ, महंगाई इतनी है, आवाज निकलती नहीं है, महंगाई तो नहीं है। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान, और सितम वाला सितम ये इसी पे नहीं रुक रहे। एक बंदे को मैंने देखा ब्रेक पे जाने से पहले, आपको बताऊं, हाथ में प्याज पकड़ा हुआ, प्याज को पकड़ के बोल रहा है ये प्याज गद्दार है, ये प्याज गद्दार है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये इंडिया से आया है। टमाटर और प्याज को गालियाँ नहीं दो, ये हमारी खुराक है। और जो लोकल प्याज या इंडिया का प्याज है वो इंडिया से, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। भारत नहीं, पाकिस्तान में सारे के सारे यही काम कर रहे हैं। भारत के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ, हालांकि भारत जो है वो सबसे कन्वीनियंट है ऑब्वियसली, अगर वहाँ से किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली फैसला होना अभी बाकी है। भारत टमाटर बेचता है, वो अच्छा नहीं होता, उसमें केमिकल होता है। क्या करूँगी हम दोनों का, ये तो खट्टे हैं। आज इतना महंगा प्याज है, यही हम इंडिया से लेके आए हैं, इम्पोर्ट कर लें तो ये चीज नीचे आए कीमत का। अच्छे वाला प्याज जो है 400 रुपए तक है जी। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये देखो जी, महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाए। ये प्याज देखे, ये छोटा छोटा प्याज है, और वो उसकी हालत भी देखे कैसी है। ये सर ये वहाँ से ले तो 18,000 रुपए का मिलता है यही प्याज। क्योंकि अगर 600 रुपए किलो टमाटर है तो कम से कम मैं तो नहीं खरीद रहा हूँ। 400 रुपए की प्याज है, प्याज है तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। तो क्या लेगा तू भाई? पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। इंशाल्लाह इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क नहीं संभाल सकता। इंशाल्लाह उस जालिम ने सामान उठा के ले गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। क्या लेने आए आप यहाँ? इंशाल्लाह ये कब्रों में भी है ना, इनके कब्रों में सांप चलेंगे। मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। बड़ा अहम था ये मेरा वहम था, मैं बड़ा अहम था ये मेरा वहम था। दोनों सेम ही डायलॉग है। कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान बड़ा अहम है, वो उसका वहम है। क्राइसिस, बोहरान, मुसीबतें कभी खत्म ही नहीं होती। तो आज एक ऐसे ही पाकिस्तानी रिपोर्टर और फैक्ट रिएक्शन पाकिस्तानी जनता की इम्परफेक्ट लाइफ दिखाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्याज का बोहरान चल रहा है और प्याज का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ जो प्याज है वो ईरान से पाकिस्तान इम्पोर्ट चाहिए। ईरान से गांधी जी ईरान से सोच रहा था ना, प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। टर्की से था, लेकिन ये जायके में इतना अच्छा नहीं होता। ओहो, जायका चाहिए ना आज भाई साहब को, जायकेदार नहीं लग रहा। जायका नहीं लिया ईरान एक बार मिसाइल पे मिसाइल क्यों फेंक रहा है? क्यों? क्योंकि ईरान के प्याज की ये बुराई कर रही है। भाई साहब शुक्र मनाओ, ईरान की प्याज तो मिल रही है, वरना जिस दिन ईरान की खोपड़ी सटके ना, ये प्याज भी तुम्हारे हाथ से गई। और जो लोकल प्याज या इंडिया का प्याज है वो इंडिया से, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो प्याज आती है वो भी भारत से ही हम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्याज पूरी दुनिया का चक्कर काट के और तब पाकिस्तान तक पहुँचती है, इस वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो लोकल हमारा प्याज इस वक्त सिंध का आ रहा है, लेकिन उस वो आप देख सकते हैं कि उसकी हालत इतनी, लोग वो वाला ले ही नहीं रहे, ले लग नहीं रहा। तो यही हम आपको रेट दिखाते हैं कि यहाँ पर रेट क्या चल रहे हैं प्याज के और लहसुन अदरक के। प्याज का रेट सुना है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लोग जो है वो काफी परेशान है प्याज को लेकर। क्या रेट क्या है प्याज का? भाई जान प्याज तो 200, जो निकम्मा प्याज है वो 200 रुपए है। निकम्मा प्याज क्या होती है? माना कि पाकिस्तान निकम्मा है, लेकिन ये निकम्मी प्याज क्या होती है? ये वाला प्याज से भी कुछ काम
करवाओगे तुम्हें रुला देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। 200 रुपए किलो निकमा, मतलब इसको काटो तो आंसू नहीं निकलते। अच्छे वाला प्याज जो है 400 रुपए तक है। कि अगर हम यहाँ वाघा बॉर्डर से या नजदीक से ले लें तो इसी प्याज के दाम जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा देंगे। हमें भारत की जरूरत नहीं, लेना नहीं चाहिए। हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं। अब आखिर पैसे तो आम नहीं देने हैं। पाकिस्तानी लीडर्स की ये थिंकिंग है कि भाई साहब आवाम की जेब फटे तो फटे, भूख से मरे तो मरे, लेकिन गर्दन ना झुके। वही ये गर्दन क्या सब कुछ झुका देते हैं IMF के सामने, यही तो कयामत है। लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का, वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? वो गरीब तो अब वैसे ही खत्म हो गया है, वो खुदकुशी कर रहे हैं, हांडी पूरी करेगा बिल पूरे करेगा। ये प्याज देख लो 400 रुपए किलो, ये प्याज देखे छोटा छोटा प्याज है और वो उसकी हालत भी देखे कैसी है। ये सर ये वहाँ से ले तो 18,000 रुपए का मिलता है यही प्याज, अच्छे वाला प्याज 33,000 का मिलेगा, वो 330 रुपए तो वो मंडी पे पड़ जाएगा। अदरक और लहसुन दोनों का 600 रुपए, टमाटर 120 रुपए किलो, मिर्च 50 रुपए और नींबू 30 रुपए पाओ। ये हर बंदे का अपना रेट है, मन मानिए को पिछड़ा नहीं। कैसे अमरूद में 60 रुपए ले, अमरूद 100 रुपए मिल देने, 150 भी मिलते हैं, 150 ही मिलते हैं, हर आदमी का अपना अपना रेट। राणा साहब क्या लेने आए आप यहाँ? वो भी फर्ज करें, एक बंदा एक कूल लेता है, मेरे भाई एक कूल 230 का है, जिसके 4 बच्चे हैं, उसका एक कूल से गुजारा होगा? नहीं होगा। मेरी पॉकेट में एटलीस्ट 1500 रुपए हो तो मैं एक दिन की हंडिया बना सकता हूँ बच्चों के लिए। बल्डन डालते हैं गरीबों में, बल्डन है कि हमारे जितने भी हुक्मरान है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग है जितने, उनके पास ड्यूअल पासपोर्ट है, थोड़ी सी परेशानी आती है वो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। मेरे भाई 100% डबल पासपोर्ट को कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, एक बंदा रेडी से एक टमाटर उठाता है ना तो 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है ओ मारने के लिए। ओ तू टमाटर चक लिया, तू टमाटर क्यों चकिया? ये लोग हम लोगों का माल खा रहे हैं, माल खाने के बाद ये भाग जाते हैं। हम टैक्स देते हैं, सिम पे टैक्स है, हर जगह पे टैक्स है, बच्चों पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। सिर्फ सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सके, सांस भी लेना महंगा हो गया। जब आप सड़कों पे आ जाएंगे ना तो फिर आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो ये समय लेंगे कि इस वक्त ये मुल्क ऐसे सारे के सारे कर रहे हैं, फकीर फकीर बना दिया इस मुल्क ने, इंडिया के सामने कर रहे हैं। इमरान खान अगर इक्तदार में दोबारा आता है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा 100% बता दे कि उसको जेल में डाल दिया है। ठीक है, मुझे इतना पता है ये शख्स बाहर आ गया ना, सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इस मुल्क को बाहर आएगा। अभी आपको लगता है आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या रेट है जी प्याज का? प्याज प्याज चल रहे हैं किलो, अच्छे वाला प्याज नहीं रहते बड़ा है, उसका क्या रेट है? बड़े वाला जो प्याज है, गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर कैसे गुजारे बेटा? क्या आपके पापा क्या करते हैं? ये नहीं पता मेरे पापा क्या मजदूरी करते हैं। ये 10 रुपए का लहसुन ले रहे हैं बेचारे, तो 10 रुपए बेटा लहसुन कितना एक आएगा, थोड़ा सा आएगा, कितने गए गुजरे हालात है। जब भी आती है 10-20 रुपए की लेके आती है, हम इसको दे देते हैं क्योंकि हमें पता है ये लोग हैं, इनको देना पड़ेगा, ये हम ना देगा कोई और देगा, ये गवर्नमेंट से किसने पूछना ये हमें नहीं पता। अल्लाह पूछेगा जब इनको ये कब्रों में भी है ना, इनके कब्रों में सांप चलेंगे। एक तो इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना भी नहीं आता, कब्र पे सांप लौटने से क्या उखाड़ लेगा सांप, मुझे बता दे भाई। ऐसे बोलते हैं इनकी छाती पे सांप लौटेंगे, जैसे इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है। बिच्छू डसेंगे इनको, लोगों को बिच्छू के डंक मारने से क्या घंटा फर्क पड़ जाएगा जो तुम्हारे हुक्मरान है गेंडे जैसी चर्बी लेकर बैठे है, जंगली सुअर जैसी। इतना हाथ की चौड़ाई ये देखा था हमने, वो जो भागा था ये यहाँ पीछे, क्या फर्क पड़ेगा उनको? ऐसे बद्दुआएं दो कि भाई साहब मगरमच्छ निगल जाए इनको, पूरा का पूरा शेर उठा कर ले जाए या फिर गेंडे को गेंडा उठा कर ले जाए, ऐसे बद्दुआ दिया करो यार। महंगाई, बिजली का बिल 14,000, गैस का 2,200, ऐसे ये मामला कितनी महंगाई है। अल्लाह पाक हमको हटा दे, हम पे अल्लाह ताला को नेक बंदा आ जाए। नेक बंदा कौन है इनमें से? जो लोग हैं इनमें से कोई नेक और अच्छा बंदा है? तो मेरी समझ में तो जो नवाज शरीफ है ना, ये मुल्क को संभाल लेगा। लेकिन नवाज शरीफ भी कुछ नहीं करने वाला, वो तो ऐसे अपना ही पेट भरेगा, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं करने वाला। भैया ये कोई कह रहा है इमरान खान वो तो जेल से नहीं निकलने वाला, मुझे इलेक्शन आने वाले हैं, उसको निकालेंगे नहीं इलेक्शन तक, नहीं पार्टी को बैन कर दिया मुझे लगता नहीं। ये नवाब शरीफ जो आया है ये बनेगा, वो खास जो आया है उसके लिए पूरी सिस्टम को उसके लिए बनाया है, सब की है, बढ़िया किया सारा उसने सेटअप करके कि अब तू आ जा, अब तेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा। देखो बंदे के ऊपर केस था वो भाग गया,
अब ऐसा सिस्टम इनका है, इतना मतलब चोर चकारी करप्शन है कि वो सारे जो केसेस थे वो जिसकी वजह से भाग के बाहर बैठा वो तो सब गायब हो गए, सारे केसेस इमरान खान के ऊपर चढ़ गए और इसके कोई भी नहीं है। अब ये वापस आ गए और ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिर से, और ये लोग कह रहे हैं कि ये करेगा और लग रहा है कि वो कोशिश करेगा इंडिया के साथ अच्छे बेटर रिलेशनशिप करने के लिए। पर हमें मोस्ट प्रोबेबली, मेरा तो यही सोचना है, हमें नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे कि भैया हमें तो तुम देखो, हमें कोई फायदा ही नहीं है इनके साथ कुछ बेचने वेचने का। हम देंगे मतलब इनको दे के हमारा नुकसान है कि इनको और स्ट्रांग कर रहे हैं हम देकर। तो हमें तो कहना चाहिए कि मैं तो हर बार ये कहूंगी कि पीओके दे दो, दिखा दो तुम अच्छे रिलेशनशिप्स करना चाहते हो, यहाँ पीओके दो, वहां हम तुम्हारे साथ ट्रेड कर लेंगे। नए वीडियोस दोबारा आने लग गए हैं इसके बारे में, फिर से महंगाई के एकदम से हो गए, अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो महंगाई के वीडियोस भी आने शुरू हो गए कि ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। मुझे पता नहीं कि कौन इनका लीडर आएगा। लोग तो ऐसे लग रहे हैं, बहुत सारे चाहते हैं इमरान खान ही जीते, इमरान खान ने आना ही नहीं देखना इलेक्शन में, वो लड़ेगा ही नहीं, वो लड़ने ही नहीं, डायनेस्टी का सिस्टम नहीं है, डायनेस्टी वालों ने कंट्रोल कर लिया है, सभी जितने भी पावर में हैं वो सब डायनेस्टी वाले हैं, कोई ना कोई उसका फादर मदर कोई ना कोई इन्वॉल्व था पॉलिटिक्स में, वही है सारे, वो एक के बाद एक आते हैं। और टमाटर और प्याज दो ऐसी चीज है जिनके बिना खाना बनना इम्पॉसिबल होता है। अब हम लोग भी होता है जब कभी प्याज खत्म हो जाता है, समझ नहीं आती अब कैसे बनाऊं, हर चीज में तो प्याज डलना होता है, यहाँ आप टमाटर डलना होता है, अब कुछ भी बनाओ उसमें टमाटर प्याज तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तड़का लगाना होता है, जिस जिसमें तड़का लगाना है वहां टमाटर प्याज चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करो, तो वही प्रॉब्लम है। और मैं फिर बताऊंगी इनकी महंगाई, हर चीज की जो रेट है खाने के सामान के सब्जियों के सबके रेट पूरे यूएसए के हिसाब से है, जितना हमें जितने का हमें यहाँ मिलता है उतने का इनको मिलता है, तो सोचो गरीब इंसान कहाँ से ले लेगा, कमाई तो अमेरिका की तरह तो है नहीं इनकी, कमाई तो कुछ भी नहीं है उसमें। लास्ट पॉइंट कहूंगा उसमें, देखिए ह्यूमैनिटी देखिए, वो जो बेच रहा था सामान, वो देख रहा है कि गरीब बच्चा आ रहा है, 5-10 रुपए में क्या मिलता है, एक लेसन भी नहीं मिल सकता, फिर भी वो दे देता है कि कोई बात नहीं। ये देखो ह्यूमैनिटी आपको नजर आ रही है, विच इज अ गुड थिंग। और वो उसको दुख हो रहा था, कह रहे हैं कि भाई हमें रोना आता है ये सब देख के, गरीब जब आता है सच्ची में क्या करावा इन लोगों ने कट्टरपंतियां की वजह से। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।